कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 5 जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन, इसका उदाहरण नंबर 1। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 हमें क्या दिया है, संलग्न पाई चार्ट में एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशत में दर्शाता है। ये जो हमें पाई चार्ट दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या दिखाता है, एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय यानी खर्चा और उसकी बचत को किसमें, प्रतिशत में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 25% भोजन को दिखाता है कि भोजन पर 25% व्यय हुआ है, 15% बच्चों की शिक्षा पर व्यय दिखाता है, 10% मकान किराया दिखाता है, 5% परिवहन दिखाता है और 20% अन्य को दिखाता है, जबकि यहाँ 15% की बचत होती है और 10% कपड़ों पर व्यय होता है। ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट दिया। इस पाई चार्ट से संबंधित हमें यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं इस पाई चार्ट को देखकर। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, 25% है जो कि भोजन का है, तो सबसे ज़्यादा व्यय किस पर हुआ है, भोजन पर। तो यहाँ हम आंसर अपना लिख देते हैं ना, उत्तर फर्स्ट का भोजन। ठीक है, भोजन पर सबसे अधिक व्यय हुआ है। सेकंड में हमें दिया है किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो देखिए परिवार की कुल बचत कितनी, 15%, और 15% ही किस पर खर्च हुआ, यहाँ देखिए ये रहा 15%, ये बच्चों की शिक्षा पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, किस मद पर हुआ है, बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। तो यहाँ हमें दिया है कि परिवार की मासिक बचत जो है वो 3,000 रुपये के बराबर है, तो यहाँ मासिक बचत कितनी है, 15%, और ये 15% किसके बराबर है, 3,000 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा, तो कपड़ों पर कितना होता है व्यय, 10%। तो हमें ये निकालना है कि कपड़ों पर कितना व्यय हुआ रुपए में, यहां तो हमें प्रतिशत में दिया, हमें रुपए में निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि मासिक बचत बराबर है आपकी 15%, मासिक बचत कितनी है 15%, और 15% का मतलब क्या है, 3,000 रुपये कह रहे हैं ना, मासिक बचत 3,000 रुपये है, जबकि यहाँ बचत 15%, और 15% का मतलब है 3,000 रुपये। ठीक है, यानी 15% का मतलब है 3,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स 1% का मतलब कितना होगा, 3,000 से कम होगा या ज़्यादा होगा, बिल्कुल 3,000 से कम होगा। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3,000 को भाग दे देंगे 15 से, तो हमें मिल जाएगा कि कितना, 1% का मतलब कितना है, तो 15 का 12 30 में 15 दूनी 30, बचा क्या 20, तो यहाँ 2 के साथ 20 यानी 200 रुपये। ठीक है, 1% का मतलब है 200 रुपये, और हमसे पूछा क्या है कपड़ों पर मासिक व्यय, तो कपड़ों पर मासिक व्यय कितना हो रहा है, 10%, तो हम लिखेंगे कपड़ों पर मासिक व्यय बराबर है 10%। अब इस 10% का मतलब क्या होगा, चूंकि 1% बराबर 200 रुपये, इसीलिए 10 इसीलिए 10% बराबर कितना होगा, 1% का मतलब 200 रुपये, तो 10% का मतलब क्या होगा, 200 से ज़्यादा या कम, बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इस 200 को 10 से गुणा कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 2,000 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कपड़ों पर मासिक व्यय कितना होगा, 2,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।